नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आप लोग के डिमांड पे, आप लोग के कहने पे हमने क्लास ट्वेल्थ का इतिहास भी चालू कर दिया बच्चों। और यह जो क्लास ट्वेल्थ का इतिहास है, हर रोज़ शाम को 5 बजे आप लोग की बच्चों प्रीमियर लाइव आता है, ठीक है। प्रीमियर लाइव का मतलब है बच्चों की वीडियो को रिकॉर्ड करके लाइव किया जाता है, ठीक है। उस समय उपस्थित नहीं रहता हूँ, लेकिन आप लोग की वीडियो लाइव चलती है, ओके। तो हर शाम 5 बजे आप लोग प्रीमियर लाइव क्लास में जरूर आएँ। यदि आपका वो क्लास छूट जा रहा है बेटा, तो आप लोग की ये वीडियो अपलोड रहेगी, आप लोग कभी भी इसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ हिस्ट्री का बच्चों, जैसा कि हमने इतिहास, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बनाया हुआ है, तो इसका भी आप लोग का बन जाएगा बच्चों, ओके। तो चलिए, प्रीमियर लाइव आप लोग का शाम को 5 बजे आता है। हमने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पहले से अपलोड कर रखा है। और बच्चों, इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आप लोग का शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र का क्लास 3 बजे शाम को शिक्षा शास्त्र और 4 बजे समाज शास्त्र, 5 बजे आप लोग का इतिहास आता है बच्चों, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF भी आप लोग को मिले बच्चों, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और बच्चों, यदि आप हमसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, DM करके बात करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो बच्चों हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 इस चैप्टर का पूरी तरीके से कवर किया है बच्चों, आज इसका पार्ट 3 हम कवर करेंगे, ओके। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहें बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं समाधान की प्रक्रिया। पहला टॉपिक समाधान की प्रक्रिया। हड़प्पा स्थलों में मिलने वाले समाधानों में सामान्यतः मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, तथा राजकीय समाधान पिरामिडों में किए जाते थे। अतः पिरामिड और गर्त दोनों समाज की उच्च एवं निम्न वर्ग की आर्थिक विभिन्नता की परिपुष्टि करते हैं, ओके। चलिए, यही टॉपिक आ गया है बच्चों कि कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो इस ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जाता है, यानी कि मरने के बाद प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में समाधान की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। पहला है पूर्ण समाधान, दूसरा है आंशिक समाधान, और तीसरा है स्वदहन, ठीक है बच्चों, ओके। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था बच्चों समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता के सुसंगठित स्वरूप के कारण प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर, सफाई व्यवस्था, उन्नत सड़कें, विकसित उद्योग धंधे बिना प्रशासनिक व्यवस्था के संभव नहीं थे। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा में कोई शासन वर्ग नहीं था, तथा कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ विभिन्न नगरों के अलग अलग राजा थे, जैसे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में। अब बच्चों यहाँ समझेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे नियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो था, इसमें कोई भी शक नहीं है आपको। हड़प्पा सभ्यता का शहरीकरण मोहनजोदड़ो में प्रमुखता से देखा गया है। मोहनजोदड़ो में नगरों का विभाजन 2 भागों में हुआ था। पहला है दुर्ग। दुर्ग की ऊंचाई का कारण था भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाना, जो इसे विशिष्टता प्रदान करता था। इसे क्या प्रदान करता था बच्चों? विशिष्टता प्रदान करता था। दूसरा पॉइंट है निचले शहर। इन्हें भी चारों ओर से दीवार से घेरा जाता था, जैसे लोथल और धौलावीरा में। इस सभ्यता में एक निश्चित अनुपात की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा बस्तियां पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में बंटी थीं, जो नियोजन में विविधता को दर्शाती हैं। और ये किसको दर्शाएंगी बच्चों? नियोजन में विविधता को दर्शाती हैं, ओके। चलिए, गृह स्थापत्य है बच्चों, ये क्या है समझेंगे। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आदिवासी घर बने थे। घर का मध्य आंगन खाना पकाने तथा कताई जैसी गतिविधियों का केंद्र होता था। प्रत्येक घर के स्नानागार की नाली दीवारों के माध्यम से सड़क की मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। घरों के अंदर कुओं का निर्माण राहगीरों की उपयोगिता को देखते हुए किया गया था, ठीक है बच्चों। तो बस बच्चों, आज का क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया।
बाहर आप लोग को बच्चों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्के से मुस्कान के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।